केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक तरफ कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सिलाई सेंटर खोलने एवं नौकरी देने के नाम पर दिल्ली की एक संस्था द्वारा धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजा बाजार निवासी आशा कुमारी पति जितेंद्र गोपाल नामक महिला ने नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत की। ठगी की शिकार हुई आशा कुमारी के अनुसार जन कल्याण शिक्षा संस्थान नई दिल्ली नामक संस्था के MD मोहन चौधरी ने उसे प्रतिमाह 13,000 की नौकरी देने का वादा कर अपने संस्था में रखा एवं उसके कहने पर 140 सिलाई सेंटर खुलवाया, जिसमें प्रति सेंटर 7200 रुपया लिया गया। इसी तरह करीब 10 और महिलाओं को उसने नौकरी पर रखने का वादा कर उन लोगों के जरिए भी करीब 1500 सिलाई सेंटर खुलवाकर प्रति सेंटर 7200 रुपये की वसूली की। इसके बाद जब संस्था के निदेशक से वेतन की मांग की गई तो टाल मटोल करने लगा और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। संस्था में मोहन चौधरी के अलावे 3 और लोग जुड़े हुए थे जो अपने आप को निदेशक बताते थे, जिनके नाम मनोज कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह एवं ऋतु आनंद भी शामिल हैं। बहरहाल पीड़ित महिला के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में चारों नामजद निदेशकों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है एवं इनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना से कई बेरोजगार महिलाओं की मेहनत की कमाई लूट गई है। निशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। संस्था में जुट के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, जो मोहन चौधरी जोड़ने वाला और मनोज कुमार थे, सुरेंद्र यादव थे, इस बोले थे कि 30 सेंटर के बाद 13,800 के सैलरी मिलेगा आप लोग। हम लोग बेरोजगार बैठल थे, हम लोग जुट गए, 30 सेंटर बना के उन लोग के दे दिया। कोई कुछ लोग के एक मशीन दिया, कुछ लोग के नहीं दिया। 47 सेंटर ऐसे हम लोग ब्यूटिशियन वाला और सिलाई वाला बना के दे दिए। एक सेंटर पर 20 लड़की का ग्रुप बनाना होता था और 310 रुपया लड़की लोग से लेना था रजिस्ट्रेशन शुल्क के, और 1,010 रुपया टीचर लोग से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेना था। एक सेंटर पर 7200 रुपया, कुल 7200 रुपया पड़ता था। ऐसे हम लोग 30 सेंटर बना के उन लोग के दिए, और कोई 30 सेंटर, कोई 50, कोई 80, कोई 100, कोई 108, कोई 160, ऐसे सेंटर सब लोग बना के दिए और सबके पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। आप लोग कहीं जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस को आपने मदद लिया? हाँ, 9 तारीख के हम लोग नगर थाना में केस किए थे, उसके बाद हम लोग SP ऑफिस गए थे 10 तारीख के, फिर DSP के यहाँ भी गए थे हम लोग। वहाँ से कोई आश्वासन आप लोग को मिला? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। एक्चुअली ये हमसे एक हफ्ता पहले जो है इन लोग हमारे पास आए थे, और जन कल्याण शिक्षण संस्थान इनके द्वारा जो है इनको ठगा गया। करीब 1,18,00,000 हमारा जो कैलकुलेशन बताता है कि 1,18,00,000 रुपया इन लोग से लिया गया, और ये दर्द को लेके हमारे पास आए। हमने इनको जो है अपने हमारे जो पार्टी के संरक्षक थे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पप्पू यादव जी, वहाँ इनको ले जाके हमने मिलवाए थे। वहाँ पे इनको आश्वासन नहीं दिया गया। पप्पू यादव जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SP को फ़ोन किए, DIG IG सबको फ़ोन किए, और थोड़ करने के बाद जो है प्रशासन पर एक दबाव बनाए। लेकिन सिर्फ प्रशासन वहाँ से उस घटना के भी उस दिन के बाद भी आज 5 दिन बीत गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया है। जब तक अगर तो ये जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं होता है तो ये सारे महिला जो 34,500 हैं, इसमें कुछ जेंट्स भी हैं, इनको लेके हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे।